वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में बोला है एक कंटेनर के अंदर, लेट से ग्लास का बॉटल है, उसके अंदर तीन लोग रखे हुए हैं। ग्लास के बॉटल के अंदर तीन अलग अलग स्पीशीज रखे हुए हैं। सो दैट सैंपल कंटेन्स हाइड्रोजन विच इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट ऑल्सो कंटेन्स हीलियम प्लस इन थर्ड ईयर्स एंड लिथियम 2+ इन फिफ्थ ईयर्स। क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ लाइन्स दैट विल बी एमिटेड फ्रॉम दी सैंपल, मतलब तीनों को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ लाइन्स का एमिशन कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन का एमिशन कैसे आएगा, हाइड्रोजन से निकालेंगे कितना एमिट करेगा, फिर हीलियम प्लस से, फिर लिथियम 2+ से। तो देखो हम लोग को एक फॉर्मूला पता होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, नंबर ऑफ लाइंस का क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ये एन इक्वल टू वन है, ये दिस इज योर वन एंड दिस इज योर टू। हाइड्रोजन है फर्स्ट ईयर से, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर है। हीलियम में थर्ड ईयर से, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर है। तो दिस इज योर वन फॉर हीलियम, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर। नेक्स्ट ये लिथियम 2+, इसका वन है, ये इसका टू है, थ्री फोर फाइव सिक्स फिफ्थ ईयर्स, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर, इलेक्ट्रॉन यहां पर है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका पता कर लेंगे कितने लाइंस आएंगे, इसका पता करेंगे, इसका पता करेंगे। तो देखो नंबर ऑफ लाइंस इसमें कितना आएगा, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो इसमें देखो नंबर ऑफ लाइंस होगा वन, एन टू इंटू टू माइनस वन बाई टू, ये वन आएगा। इसमें कितने होंगे, इसमें एन क्या पुट करेंगे, फोर्थ, फोर इंटू थ्री बाई टू, आप इसको कीजिए सिक्स आएगा, फोर इंटू थ्री बाई टू। इसको करते हैं सिक्स पुट कीजिए, सिक्स इंटू फाइव बाई टू, फिफ्टीन आएगा। तो हम लोग को लग रहा है टोटल नंबर ऑफ लाइंस विल बी वन प्लस सिक्स प्लस फिफ्टीन, सो 22 आ रहा है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि 22 होगा, उससे कम भी हो सकता है। क्यों हो सकता है देखो अभी समझेंगे थोड़ा। सम लाइंस विल बी कॉमन, मतलब वही लाइन इससे भी बाहर आएगा, इससे ही बाहर आएगा, इससे ही बाहर आएगा, पर लाइन तो वो एक ही है। लेट्स मैं बोल रहा हूँ रेड कलर का एक वेवलेंथ इससे बाहर आया, अगर वो वेवलेंथ इससे भी बाहर आ रहा है और इससे ही बाहर आ रहा है, तो मतलब क्या है, आपको दिख तो रहा है सिर्फ रेड, बट तीन बार आपने काउंट कर लिया। दे आर सम लाइन्स विच कैन बी कॉमन, उसको सिर्फ हम लोग को देखना है कि वो मल्टीपल काउंटिंग ना हो जाए इसकी। तो हम लोग देखेंगे अभी कैसे करते हैं उसको। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, आप एनर्जी लेवल पता कीजिए सबके। तो देखो मैं इसका एनर्जी लेवल पता करता हूँ, पहले हाइड्रोजन का, वी ऑल नो दिस इज माइनस 13.6 एंड दिस इज माइनस 13.6 बाय 2 स्क्वायर, तो हाइड्रोजन का हो गया। अब हीलियम पे आते हैं, दिस विल बी माइनस 13.6 इंटू, एनर्जी का फॉर्मूला है फिर से लिख दे रहा हूं पर अब तक याद हो जाना चाहिए, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला। तो हीलियम, हीलियम का जेड 2 और ये एन स्क्वायर इज 1, तो माइनस 13.6 टू स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 13.6 इंटू 2 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्चुअली माइनस ऑफ 13.6 ओनली, 2 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसका निकालते हैं माइनस 13.6 इंटू 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 13.6 इंटू 2 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए देखिए आएगा माइनस 13.6
बाय टू स्क्वायर। तो देखो ये एनर्जी लेवल इससे बराबर आया एंड दिस एनर्जी लेवल इज ऑल्सो सेम एज दिस। अब उसी तरीके से इसका निकालेंगे, यहां पर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड का अलग होगा, थर्ड का यहां पर भी -13.6 आने वाला। कैसे क्या हो जाएगा, -13.6 अगर फॉर्मूला में पुट करेंगे इनटू जेड इज 3 एंड एन इज ऑल्सो 3, तो ये वही हो गया -13.6। यहां पर उसी तरीके से हम देखेंगे -13.6 बाय 2 स्क्वायर आने वाला है। तो आप देखो टोटल नंबर ऑफ लाइंस 1+6+15 हम लोग को लग रहा था, बट अब क्या हुआ, ये जो लाइन है और ये जो लाइन हीलियम प्लस में मिलेगा और ये जो लाइन लिथियम 2+ से मिलेगा, सेम वेवलेंथ हम लोगों को यहां से मिला, यहां से मिला, यहां से मिला। मींस ये जो लाइन है इसमें है तो मतलब जो 6 है, बट नया कितना है, ओनली 5। तो इसमें वैसे लाइंस कितने हैं जो इसमें नहीं थे, ये लाइन पहले से था, टोटल लाइंस इसमें 6 आएंगे, पर ये तो पहले से इसमें है, मींस इफेक्टिवली न्यू इज 6-1, नए लाइंस सिर्फ 5 मिलेंगे, एक पहले से थे, इसमें भी वही है, टोटल ऑफ 15 लाइंस है। इन दिस दिस वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट, ये नया लाइन नहीं माना जाएगा, तो नए लाइंस कितने होंगे, 15-1। सो टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ लाइंस या टोटल लाइंस या नॉन ओवरलैपिंग लाइंस विल बी 1+5+14, सो विच मीन्स टोटल लाइंस विल बी 20। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कोई तरीका नहीं है, एनर्जी लेवल आप लिख कर ही सॉल्व कर सकते हैं। आपको देखना कॉमन एनर्जी लेवल के बीच में सेम लाइंस आएंगे तो उसको हम लोग सिर्फ एक बार काउंट करेंगे, मल्टीपल काउंटिंग उसकी नहीं होनी चाहिए।